सोनी साहब 10 करोड़ की जमीन है, वो काम हो जाएगा आपका। 15 करोड़ मांग रहा था लेकिन 10 करोड़ में सेट कर दिया उसको। हाँ ठीक है ठीक है। अबे वो गवार पेड़ों के मानी, जरा ये एड्रेस बताइयो। अबे गवार किसको बोल रही है, तुझे मैं यहाँ गवार दिख रहा हूँ? और क्या गवारी है तू, अपने आप को कहीं का सेंसर समझ रहा है क्या तू? अबे तमीज से बात कर, तुझे पता नहीं है कौन हूँ मैं? कहीं का कमिश्नर लग रहा है क्या, कहीं का डीएसपी है क्या तू? गवार है तो गवारी बोलूंगी ना। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, तमीज से बात कर मुझसे। अब तू सिखाएगा मुझे तमीज? मेरा मन जैसे करेगा वैसे बात करूंगी, क्या कर लेगा तू? अरे मुझे तो पढ़ी लिखी तू नहीं लग रही, बोलने की तमीज तुझे बिल्कुल नहीं है, करती क्या है वैसे तू? अबे सुन, मैं नई नई में मैनेजर काम करती हूँ, मेरी सैलरी सुनेगा ना चक्कर खा के यहीं गिर जाएगा। अच्छा वैसे कितनी सैलरी है तेरी? अबे मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, तूने इतने सारे पैसे एक साथ कभी देखे भी नहीं होंगे। हाँ मैडम क्या तुम सही रही हो, हम ठहरे बेचारे गरीब आदमी, इतने सारे पैसे कहाँ देखेंगे हम। अच्छा मैडम मुझसे गलती हो गई, मैं बोलता तुम्हारे हाथ चले जाओ यहाँ से। अब तू आए ना कात पे, एक तो तू एड्रेस नहीं बता पाया, ऊपर से मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। जा पेड़ पौधे लगा, हट यहाँ से। अरे जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है और मेरे जैसे करोड़पति से बहस कर रही है। 1 लाख के 10 लाख रुपए तो सोना पहन के चलता हूँ मैं। खैर मुझे क्या, बाल लग गया हमारे आगे, चलता हूँ अपने काम से। सुबह सुबह दिमाग खराब कर गई बावले लौंडिया हमें क्या। अरे ये 5000 गज की जगह दिख रही है मुझे, ये काम करते हैं इसी में कॉलोनी कटवा के लोगों को बेच देते हैं। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार, और बता साहब वो जो सौरभ सोनी का इवेंट का काम होने वाला था ना, उसमें पूरा डेकोरेशन करवा दिया मैंने। अच्छा करवा दिया डेकोरेशन का काम सारा, बहुत अच्छा किया। और वो स्टार बीट्स वाले का क्या हुआ? अरे ठाकुर साहब आप कहाँ टेंशन ले रहे हो, आप कितने से लड़के हैं तो काम करने के लिए, आप गाँव का परेशान आ रहे हो, आप बस आराम करो सारा काम हम देख लेंगे। अरे नहीं यार मेरा ही फर्ज बनता है ना कुछ काम कराने का, वैसे भी सारा टाइम इधर उधर निकल जाता है, इससे अच्छा है कुछ काम में मन ही लग जाता है मेरा। अच्छा हाँ मेरी बात सुन, जो जनकार वाले का शादी का काम है ना वो कल पूरा कराना है टाइम से, तो तू कल टाइम से आ जाइयो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब आप टेंशन मत लो, मैं टाइम से आ जाऊँगा और सारा काम सही से हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे यार क्या सौरभ भाई, कल मुझे जनकार बीट्स वाले की शादी का पूरा काम अकेले देखना है, ऊपर साहब मुझे एक काम और दे रहे हो। अच्छा ठीक है। हेलो वीरू भाई कैसे हो आप? अरे रूपाली मैं ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? अरे मैं क्या बताऊँ, रास्ते में खड़ूस मिल गया था, एक तो उसने एड्रेस नहीं बताया, ऊपर से मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया बहस कर करके। अरे यार रूपाली तू भी ना छोटी छोटी बात बहस करने लग जाती है किसी से भी, जरूर तूने कुछ कहा होगा इसलिए शादी ने बहस की होगी, तू अपने दिमाग को बहुत ठंडा रखे कर। अब खैर ये सब छोड़, मुझे ये बता तूने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया क्यों था? अरे वीरू तुम्हें तो पता ही है मेरे घर की कंडीशन, और मैं जहाँ जॉब कर रही थी मेरी जॉब भी चली गई है, एक बार तुम अपने मालिक से बात करो ना, तुम्हारी सैलरी भी वहाँ पे अच्छी है, क्या पता मेरी जॉब लग जाए और मुझे भी अच्छी सैलरी मिलने लगे। अरे हाँ हाँ मैं करूँगा ना तुम्हारे लिए बात, और वैसे भी रूपाली जो हमारे मालिक है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु है, जब मैं उनको तुम्हारी परेशानी बताऊंगा तो वो तुम्हें जरूर नौकरी देंगे। तुम एक काम करो कल सुबह 9 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारी फेस टू फेस बात करवा दूंगा मालिक से। थैंक यू सो मच वीरू, तुम्हें नहीं पता है जॉब लगने से मेरी कितनी बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। नमस्ते मालिक। अरे क्या हो गया, बार बार फोन करे जा रहा है, मिल लो क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई? मालिक मैं ये कह रहा था मेरे एक दोस्त है, उसकी ना पारिवारिक स्थिति अभी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, जहाँ वो पहले जॉब करती थी वहाँ से उसकी जॉब भी चली गई, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि उसको अपनी कंपनी को जॉब दे देते, और वैसे भी जो अपनी पांचवी ब्रांच है ना दिल्ली इवेंट्स की दिल्ली वाली, उसमें मैनेजर की पोस्ट खाली है, और वो लड़की बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी लड़की है, वो सारा काम संभाल लेगी, एक बार बात कर लेते उसे, उसको नौकरी दे दीजिए। अगर तू इतनी तारीफ कर ही रहा है और इतनी पढ़ी लिखी लड़की है तो एक काम कर बुला ले उसको, रख लेंगे काम पे। जी मालिक, और मैंने उसको बुला रखा है, एक मिनट रूपाली जरा इधर आना। रूपाली यही है मालिक, मालिक यही वो लड़की जिसकी जॉब लगवानी है। अबे तू, अरे मेरू तू किसको बॉस बोल रहा है, इस फटीजर गवार की तो खुद हालत खराब है, ये मुझे क्या जॉब देगा? रूपाली ये तुम क्या बोलो जा रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने क्या काम करता हूँ यही है मेरे मालिक, सॉरी बोलो इनको। अबे वीरू क्या बात कर रहा है तू, इसकी जॉब लगवाने आया है, ये तो बहुत अमीर है, 1 लाख रुपए सैलरी है इसकी महीने की, पता है तुझे? अरे मैडम देखो बड़े आदमी छोटे आदमी के यहाँ जॉब करते अच्छे नहीं लगते, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी जॉब नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वीरू जा लेके जाए इसको यहाँ से। अरे मालिक कैसे गुस्सा हो रहे हो आप जानते हो क्या इसको? अरे बहुत बेइज्जती करी है इसने मेरी, मेरे को वहाँ पेड़ों के पास देख के माली गवार पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, बता इसको कौन हूँ मैं। अरे रूपाली तुम पागल वागल हो गई हो क्या, तुम जानती भी हो ये कौन है? बहुत रईस आदमी है, अरबपति है, अच्छे अच्छे अरबपति रईस आदमी, इनसे मिलने का तरसते हैं,
और 8-10 लाख का सोना तो हमेशा पहन के चलते हैं। तुम्हें पता है इनके 8-10 ज्वेलरी के शोरूम है, और तो और इनके 5-6 मैरिज हॉल है, इनका रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। ये शहर देख रही हो, इसमें ज्यादातर बिल्डिंगें इन्होंने ही बनवाई है। तो रूपाली वो तो इनके लड़के छुट्टी पर गए हैं दिवाली के लिए, इसलिए अपने गार्डन की साफ सफाई खुद कर रहे थे, पेड़ों खुद ही पानी दे रहे थे। वो देखकर जमीन को गवार क्या दिया, मालिक क्या दिया। रूपाली तुम ये बात जानती हो, जिस जमीन पर भी तुम खड़ी हो ना, वो जमीन सर की है। मालिक आप इसको माफ कर दीजिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप इसको जॉब मत दीजिए। सारी गलती तो मेरी है जो मैं इसको आपके पास लेकर आया। सॉरी सर, आप मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप। ठीक है मैडम, तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन हाँ मैडम, आगे से ध्यान रखना, आगे से कभी भी किसी को जज मत करना। तुम जॉब के लिए आई हो ना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। वीरू एक काम कर, जो अपने दिल्ली की ब्रांच खाली है, जो तू बता रहे ना वो मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो इनको वहाँ पे बिठा दे, 1 लाख रुपए महीना सैलरी दिलवा दे इनको। ठीक है, मैं सबकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मेरी सीएम साहब के साथ मीटिंग है दिन की, मैं चलता हूँ। राम राम। देखा तुमने मालिक कितने दयालु है, तुम लोगों की इतनी बेइज्जती करी, उसके बाद भी उन्होंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया। अब चलो। कभी भी किसी को अनपढ़, गवार या फिर कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्या आपको लगता है बड़ी बड़ी कंपनी, रियल एस्टेट और ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने इस घमंडी लड़की का घमंड उतारने के लिए बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना।